सब लोग को मेरा प्यार पहुंचे जहां तक ये आवाज जा रहा है। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले अंडरवेस मिनिस्ट्री जहां पर जो सेंटन एंड लेरलिंगन फंडेड अल्बर्ट कामरोन इंस्टीट्यूट ACE ये सब मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। आप शायद जानते हैं कि जब ये लोग पहुंचा जहां मिनिस्ट्री है होफबाओ, तो ये लोग को अंदर जाने के लिए मनाही कर दिया गया। अंदर जाने के लिए यानी कि इन लोगों को फेल हेट्स डिंस द्वारा रुकावट किया गया। उसी ही चातानी में कुछ वहां हुआ होगा, और जैसे कि द सेंटन एंड लेरलिंगन फान हेड अल्बर्ट कामरोन इंस्टीट्यूट ACE यानी अखबार के और लोगों से ये बात जिक्र की है कि फेल हेट्स माने अपने पांव से जोर से दरवाजा को लात से मारे हुए हैं, और इसी कारण से वो आईना फूट करके गिर गया। जो इल्जाम द सेंटन और लेरलिंगन को पर लगाया गई है बिल्कुल फालिस कहते हैं ये झूठ इल्जाम है। लेरलिंगन द सेंटन होफबाओ अंडरवेस मिनिस्ट्री जहां है उस आईना जो है दरवाजा के आईना जो फूट के गिर पड़ा वो द सेंटन या लेरलिंगन के जरिए नहीं बल्कि फेल खेस डिश जो मिनिस्टर लीडियन फेर ये का वो लोग लात मार करके और आईना फोड़ी से। डेट सेक्ट स्टूडेंट वर्तीवर्धकर जीफ्रा आयम बिया क्योंकि लीडियन फेर ये काफी नाराज है, काफी गुस्सा से है कि आ करके देखो यहां के मारी फोड़ फाड़ डाले टूटा डाले हैं आईना फोड़ डाली से। बिल्कुल फालिस का पहला रिएक्शन था ये कौन जमाना के केमारी, पता नहीं कौन जमाना में केमारी बनल रहा है, और हिले से टूट गया आईना, और इल्जाम जो सेंटन अली लेगन को लगाई गई है। भाई बहनों, लिलियन फेर ये काफी नाराज है इस बात से, बहुत नाराज है, और जैसे सरकार के प्रेस दिस के द्वारा ऐलान हुआ है कि जो सेंटन और लेरलिंगन के वजह से मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेस होफबाओ का एक दरवाजा का आईना जो सेंटन लेरलिंगन यानी जबरदस्ती जब ये लोग भीतर घुसना चाहा तो दरवाजा के आईना फूट के गिर पड़ा। लेकिन अब पता चला कि फेल खेसमान लात से केमारी को मारिस, और इसी वजह से आईना फूट के छितरा गया। जिफ्रा आयम बिया ये खुद अपने आंख से देखी है, उसी समय वहां मौजूद थी। आप तो सुने हैं भैया, क्या सुने आप लोग आर्थ बेइफेंग के बारे में? आर्थ बेइफेंग का काम, आर्थ बेइफेंग जमीन हिल रहा है, घर द्वार हिल रहा है, प्लेटी गिरता है, घड़ियां गिरते, कुर्सी से कोई बुढ़वा बड्ड से जमीन पर गिर पड़ा, यहां गिरल वहां गिरा। भाइयों बहनों, आर्थ बेइफेंग जब आता है ना तो जितना चीज भैया इधर उधर रखा कहीं यहां गिरत है कहीं वहां गिरत है, कितने जगह जमीन फट गए, कितनी होटल फाट गए फेनिसवेला में, और ऐसे ऐसे करके बहुत से नुकसानी हुआ है। सुरीनाम से एक हवाई जहाज करीब से खबीत के लिए फ्लाई ऑलवेज बारबाडोस के तरफ मंगलवार को ये हवाई जहाज उस तरफ जा रहा था, क्योंकि बारबाडोस में वहां पर ये उतर करके एक दिलखासी जो सुरीनाम से स्वयं बनता वहां था उन्हें लेने के लिए जा रहा था। जब आइस भैया आर्थ बेइफेंग तो ये भी बारबाडोस में पता चला वहां सब हिल रहा है, सब हिल रहा है काका,
भैया जब देखी से बर्बेडस के लुफ फॉर केस लेडिंग कि हिल रहा है, सब हिल रहा है, तो तुरंत फ्लाई ऑलवेज को हुक्म दिया, पिलोट को हुक्म दिया कि आपको बर्बेडस के एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि देखो कहीं बगल उगल में कहीं एयरपोर्ट होगा, वहां उतर जाओ, क्योंकि इस तरफ आर्थ ब्रीफिंग हुआ है। भैया का करियो, फ्लाई ऑलवेज सूरीनाम के हवाई जहाज बर्बेडस पर नहीं बल्कि जाकर के सेंट लुसिया के फेल्ड पर उतरा। फिर कुछ चार पांच घंटा बाद यहां वहां कॉन्टैक्ट करने के बाद लुफर केस लाइनिंग की तरफ से खबर मिला कि अच्छा अब आप आ सकते हैं और बर्बेडस के एयरपोर्ट पर आप उतर सकते हैं। भाइयों बहनों समझ लो ना क्या बात है, ये जो आर्थ ब्रीफिंग है ये वो चीज है कि जहां पर ज्यादा रूप में ज्यादा ताकत से ये आर्थ ब्रीफिंग जो आते हैं ना, तो वहां पर जमीन फट जाता, पत्थर फट जाते, पहाड़ फट जाता काका। तो इसी डर के कारण से बर्बेडस के लुफर केस लेडी कहा बेहतर है SLM ऑलवेज फ्लाई ऑलवेज, तो जा करके उतर जाओ बगल के देश में, तो फिर बाद में आइए। तो ऐसे भी हुआ है। प्यारे प्यारे लोग, अब मुझे भी पता चला है कि SLM के फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी है। लोग कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम, फ्लिक्टर SLM टर्ककेर्ट द सूरीनाम से लुकफार्ट मास्खपेई SLM क्यूरासाओ के लिए जब उड़ान किया तो पता चला कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है और ये फिर से लौट करके पैनल लुफ्टहाफन पर उतर गया। ये दो मरतबा हुआ है। द सूरीनाम से लुकफार्ट मास्खपेई SLM heeft tot twee keer toe haar vlucht naar Curaçao onderbroken vanwege een technische probleem. Ja, dinsdag keer hua, winke wapens aan apara. Gisteren werd er weer een poging ondernomen om de regionale vlucht uit te voeren, wat eveneens mislukte. ये दो मरतबा SLM के हवाई जहाज इन्हें वापस आना पड़ा क्योंकि क्यूरासाओ के लिए ये हवाई जहाज वहां पहुंच नहीं पाया। हमारे देखने में SLM को सबसे पहले अपना फ्लाइट को ठीक रूप में टेक्निकल प्रॉब्लम को दिखवाने के बाद तब लोग को बुलाना चाहिए उड़ान करने के लिए, वरना बार बार लोग सांद्रेई पर जाते हैं, बड़ी खर्चा होता भाई, बड़ी खर्चा। देखिए एक जमाना जब हॉलैंड के हवाई जहाज जाता था काका, तो अचानक लुफ्टवाफ्ट और KLM या SLM एक फैसला लिया कि कुछ चीज ले जाने के मिनाही कर दिया, और वो कौन चीज रहा, डोक्सा के गोश्त मसाला में पका करके जो हमारे भौजी लोगन और हमारा मौसी लोग नीदरलैंड को जाते थे खूब पका पका करके, संद्रई पर हुक्म मिला अब मसाला वाला गोश्त या तमाठी भेजो गोश है मिनाही है यानी फ्लाइट में ले जाने के लिए। तो पशाशीष तो अब जाते हैं भैया, बल लेकिन गोश को रुकना पड़ता है, तो वो गोश भैया फिर आते हैं परमारिबू में और गांव भर बैठ के खाते हैं। वो जमाना था। इसलिए आज के दुनिया और कुछ है, अपना टिकट बुक करो और कॉफर लो और जाओ। यहां खाना पीना की बात नहीं है क्योंकि खाना पीना फ्लाइट में आपको मिलता है। ए भैया
का तुके बताई काकी, जो देश में गाजा अद्र खींचे वाला है वो है प्रदेश। अब देखिए रोटरडम में क्या बात है, हाफन फॉर रोटरडम, हाफन फॉर रोटरडम नीदरलैंड की बात है। 249 किलो कोकाइन, जिस कोकाइन बकुआ के बीच में, बकुआ के बीच में इन्हें घुसेर उसेर करके कुछ तरीका से बन उन कर करके और ये भेजा गया रोटरडम। अब आप जानते हैं 249 किलो 6 मिलियन यूरो का कीमत है। देखो प्यारे प्यारे लोग, जितने कोक के बाद है सब यूरोपा ही की तरफ जा रहा है। तो फ्रांक रेक, तो स्पाइयर, तो नीदरलैंड वगैरह वगैरह, एक काकी कितना खींचे वाला वहां है। जब सुनो 200 इतना, 200 उतना, 400 उतना, 300 कितना बैठ करके खींचा थी लो भैया, ये जो बड़ा गजब के बात है। बड़ा खींचाई खींचा थे वहां, कोई बोले सूंघा थे, कोई बोले खींचा थे। बहुत खिंचाई हो गए बप्पा। अब रोटरडम के हाफन में कोई नीख रेट एक बसराख में लिया गया है। जनता, तो जब हम आपके सामने अमतनार के बारे में बात करना चाहूंगा, रेक्टर सिखरीन वेनहार्ट जो दृक्षा तीख शाम एस कोर्ट में जब ये कल आया, ये मुकदमा को ताव दिया है, तो 20 अक्टूबर सिखलिन वेनहार्ट ये मुकदमा दूसरा रेक्टर के हवाले कर दी है, रेक्टर मारी नतनदाफ के हवाले। शाम एस के ऊपर जो इल्जाम है कि वो फोर ब्रेडिंग हैंडलिंग की है, 395 किलो कोकाइन जो कंटेनर में पहुंच गए थे और इसको प्रदेश एक्सपोर्ट होने वाला था। शाम एस के ऊपर इल्जाम है कि ये कारोबार जो है एक ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हीं के जरिए हुआ है, फोर ब्रेडिंग, लेकिन वो इनकार करता है, ऑन कैंट, इसीलिए यह मुकदमा 25 अक्टूबर को अब जज के सामने पेश होगी मारी मैटनडाफ, तब वहां फैसला होगी। क्योंकि शाम एस इस बात से जो फैसला बार बार या इल्जाम बार बार लोग लगाते हैं, शाम एस कहते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। भाई और बहनों, एक लाश मिला है वीकेंड में पारा में, एक लाश जहां पर शांति के जमीन है, उसी शांति के जमीन पर इनका लाश पड़ा था। हे वेट नॉट लेखन ऑप्शन रेक्टर जय अब एग्जाम्ट आंखोत्रोफन, जो शांति की जमीन है, शांति उज्जर शांति, वहीं पर यह लेटा रहा और वहां पर इसका मौत हुआ है। लोग ने देखा है कि इनके मुंह में से खून भी निकला है, वो शांति पर खून देखा गई है। ये आदमी उसी शांति में पड़े थे, एक आदमी तुरंत सिपाही को तार किया, लेकिन जब सिपाही पहुंचा तब लेकिन इनका प्राण निकल चुका था। प्यारे लोग, अब इनका कत्ल हुआ है कि इनका कुछ पी करके इनका मौत हुआ पता नहीं है।
लेकिन जब सिपाही वहां पहुंचा है, hij werd naakt, liggend op zijn rechterzij, op het zand aangetroffen. पता नहीं है कि इनका मौत कैसे हुआ है. लोग ने शक करते हैं कि इस आदमी का नाम कैट है. कैट, इनको कैट के नाम से लोग बुलाते हैं या बुलाते हैं वगैरह. सो कम से कम इनका पूरा नाम तो ये नहीं है, लेकिन लोग ने सोच रहा कि वही आदमी है ये. ये बात अब आगे ओंधे सुख होगा. एक 21-jarige jonge vrouw वानी कामे, उनका मोबाइल टेलीफोन उनके हाथ से छीन लिया गई है. और कैसे छीना गया है? एक डाकू ने पिस्तौल के धमकी से. शांतो पाउडर और रामबली मथुरा व्यक्ति के आसपास की ये बात है. उनके हाथ से टेलीफोन छीन करके और डाकू वहां से भाग निकला है. लड़कियों से गुजारिश है टेलीफोन हाथ में लेकर के न चलने के लिए सड़क पर. टेलीफोन कहीं लुकवा करके भाई जेब में रख करके चलो, ना हाथ में, क्योंकि आप खुद देखत हो कि हाथ में जितने लोग टेलीफोन लेकर के चल रही है, कोई ना कोई डाकू छीन करके चला जाते हैं. प्यारे लोग, प्रोंक्वेख एक मोटरगाड़ी इलेक्ट्रिक मास्क को मारी से दो तीन टुकड़ा करके गिर पड़ा जमीन पर. आसपास के लोग को कुछ घंटे बिजली नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक पाल कट गए, सब काबल छिचरा गया और गाड़ी जाकर के कंडाल में घुस गया, क्योंकि ये गाड़ी उड़ के जा रहा था. उड़ के भैया, उड़ के जैसे तितली. समझ में ना आवे है कि इंसान लोग क्यों दाम पर गाड़ी उड़ाते हैं. इस वक्त उन्हें सुख हो रहा है. भाइयों और जनता, देखो भाइयों बहनों, आप लोग तो जानते हैं कि एनडीपी के अंदर चुनाव होने को जा रहा है. ये चुनाव कई मतबा एनडीपी का लेजेंड टावते जा रहा है पीछे पीछे पीछे. इंजरी कोई होता, फिर दिसंबर में अब जाकर के या सितंबर में बात हुआ, लेकिन अब पता चला कि सितंबर में नहीं, शायद अब जाकर के दिसंबर में ये इस पॉलिटिक पार्टी का चुनाव होने को जा रहा है. आप तो जानते हैं फर्की से कमेसी है एनडीपी का. ये लोग को बैठाया गया चुनाव करने के लिए. कमेसी फोर सीटर है राज जगनंदन सिंह. एनडीपी के कमेसी फोर सीटर जो फर्की से कमेसी का फोर सीटर है वो है राज जगनंदन सिंह. उसके बाद में स्टीफन रेनीफेल्ट, रिकार्डो स्मिथ, आ वॉल्फ, एस एल्स्टम एंड पे पुटिशी, ये सब कमेसी में है. इन सबको नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव करवाना चाहिए. इस पार्टी का पॉलिटिक लीडर जेसी बौद्ध से है. पॉलिटिकल लीडर इस जेसी बौद्ध से. अब पता चला कि अब एनडीपी का फोर सीटर भी नया होने वाला है, क्योंकि जेसी ये है पॉलिटिकल लीडर और अब एनडीपी का फोर सीटर चुनाएगा बस्तूर के साथ. ये फोर सीटर के होगा ये चुनाव में पता चलेगा. एक 8 साल के बच्ची की मौत हो गया है.
achtjarige meisje aanrijden door haar brokopondo me. Achoni ke taraf ek 8 saal ke bachi ek sawari de is bachi ko dhakka laga di aur ye bachi ka maut ho gayi hai sarak par. Ye badi afsos ki baat hai. Abhi kuch din pehle halla danga macha. Loonsverhogingen voor staatshoofd, president ke liye. De VP ke liye. De ministers ke liye. Parlementariër ke liye. Surinaam ke janta, jab ye sanesa Surinaam ke janta ke kaanon mein pahuncha, to kitni janta behosh behosh ho karke aur baith gayi phulur par zameen par. Kitne itni fardwal hua ki wo ja kar ke palang par let gaya. Aur kitne ko bhai huchkiya aane laga. Huchkiya aane laga. Hichik hichik hichik. Ki kya hone laga Surinam mein? Ye to jaise jalebi bat raha hai. जैसे जलेबी बट रहा है काका. De vooruitstrevende hervormingspartij wil aanhouding, loonsverhogingen, regering en DNA. VHP का कहना है कि ये वो समय नहीं है. President, vice-president, minister, parlementariër, in onze tanha ke baare baat karne ke liye. Kya 15,000 ek assembly ke mahina mein kam thi paisa kaka? 15,000 ek assembly ke. Are assembly lo ka nivou dekho, kaun school ke hai? Pyare pyare log. VHP का कहना है aanhoudingen, loonsverhogingen, regering en DNA. न रहेगा बास और न बजेगा फू फू. प्यारे लोग, loonsverhoging उनको मिलना चाहिए जैसे अमतनारन कितनी सालों से अमतनारन को पैसा नहीं मिला. अमतनारन लोग को मिलना चाहिए. ये अमतनारन को प्यारे प्यारे लोग उस तरीका से देना चाहिए ताकि अमतनारन के कारण से दूसरों को मिलना नहीं चाहिए कि मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को और असेंबली लीडर को. भाइयों बहनों, फिर यहां पे ये बात के लिए पता नहीं कि इनको अंडरस्टैंडिंग मिलता कि नहीं, क्योंकि जो फिर यहां पे wil aanhouding, loonsverhoging, regering en DNA. Toen kwam ze kam op NPS ko kana chai. Ja, ik sta achter VHP. Oh, ka naam ik wapper te jage. Ka naam Arab. Tab kahin is desh ke andar me aap ek achha structuur la sakte hain. Lekin jab sab log bhaiya तीन तीन चार चार तनखा, आमतनार के तनखा, कमेटी में तनखा, सब कुछ तनखा ही तनखा काका. गरीब जनता पतंग उड़ावत है, क्योंकि इस वक्त पतंग उड़ावे के समय आ गया है. तो गरीब जनता कहा बोला कि सुनो तुम जाओ सन्नाम के कास में पैसा बांट लो तुम लोग, हम अपन पतंग उड़ाएगा. ये जब सुनो तो मुटकी पतंग उड़ाती है. हम कई बार मिन्हा किए हैं कि तू धमला करके गिर पर ये कहीं क्रिकी उरकी में तो कोई उठाए वाला न रही. पतंग उड़ाना लड़कों के काम है. यही सुनो तो पतंग उड़ाते हैं. पतंग के समय आ गया है तो हम गरीब जनता पतंग से अपना दिल बहला लेते हैं.
Santo Dorp met sommoir ko. Gewapende overval. Supermarkt. Op de hoek van Hira en Nieuwzorgweg. Door criminelen kaka. Doen hoek je haat met bandoog. Doen hoek je haat met bandoog. Deze film shooting. Haat zo nugget paisa. Okre baad me ek gaari kharal la daam par. Kood ke baitha paisa liye kerke bhaag gaye. To ye churwan ke saath ek gaari hamesha rahta hai. To ye sab itna jabardast chor nikar gaye sarnam ke beech mein. Ye sudharte sab ekdam se barbaad ho jayega bhaiyo. Samjhe ga? Hey kaka, tu akhbar ke khabar padh le. Rijksdeeg mein ka bhaile. Vier criminelen budh ke roof overval ki hai in een woning aan de Margaret Seedorfweg te Rijksdeeg. Ye sab bandook in ki haat mein, ek ke haat mein khub pal ja ke katlis kaka. Lekin masker pehne hue the. Ye ghar ke sab gahana, tarsil document, sat telefoon, sab chin chan karke ye wahan se bhag nikla hai. Din dupahre ye sab cheez hone laga. Ab hum aapko bataunga bhai behno, pyare pyare log, Surveillance dienst deelt 260 verkeersboetes uit. In de week van 12 tot en met 18 augustus. Door zo'n 60 loko daan bharna para hai. Jo galat chalate hai daan par. Galat chalate hai apna sawari sarak par. Ye log ne daan bhare hai, bootu bhare hai. Hai? Ek chor ke bare mein suniyo kaka kariye dada re dada is san chor santoboma ka polici bole ek chor abhi kuch din pehle jail se ghare gaya uska naam bataya Kiran deze verdachte is nauwelijks een maand geleden uit het gevangen ontslagen. Ek mahina bhi hua tha kaka Kiranwa ko rihai ki gayi hai. Ab sipahi ka kehte hain ki teen log aakar ke resort Santo Dorp, resort Sarmakka, resort Santo Boma ye likhwaye hain, nalish kiye hain ki Kiran bole electrician hai. घर में चिराग लगाता है, घर में आंच लाइटें लगवाती है, तो इन्हें लोग बोझा बोझा पैसा दे दिया, तो ये दुख हो जाता है। अब सिपाही पांच आंखिफ्त हो चुका है। The police van Santo Boma heeft intussen al vijf aangiftes tegen deze man. इनको जाकर के सिपाही पकड़ कर करके ले जा करके बंद की है। भला बताइए कब ये लोग सुधरेगा? सुधरेगा कब ना? अब हमारे समझ से बाहर है के सुधारी लोग। अब हम आगे चल करके प्यारे प्यारे लोग है? बड़ी तमाशा है देश के अंदर में, बड़ी तमाशा काका। अब हम देखिएगा कि एक बच्ची जो पास भेज स्कूल में ना, उसका नाम है समीदेन ना, तो परिवार समीदेन के अलंग से है, जावी परिवार है। इस बच्चे को हम मुबारकबाद दे रही है, आको आको खफेलिसी तैर। तो बेचारी पास हुई है, और कौन सी पास भेज है? बैचलर। ये बैचलर टेक्निकल
दीन रामचरण इन्हें बधाई दिया है। एक डाकू जिसका नाम जर्मीन एम एक बच्ची के गटई के केती छीन करके भगा, भागा भैया, उनका पीछा लोग करते हैं, यहां से देखो बोले वहां पहुंच गए, वहां नीट डोमिनिस्ट्रा बनना और आगे हेरमन स्टेन बेरेस्ट्रा वहां सिपाही। जब पुलिस हिव द फरदाक के जर्मीन दार आन को होजन एंड ओवर खबराख नार है पुलिस ब्यूरो है जैसा एक गिरफ्तार हो गया है। और तो बलांत ना आन रेडिंग इन खोज लेडिंग का सिपाही उन्हें खबर मिला कि नॉर्थ पोगरदाम दो गाड़ी अपने में टक्कर आया, एक तो योटा क्राउन एक तो योटा स्पासियो, दोनों के इतनी टक्कर, एक गाड़ी जा करके कंडाल में चारों पहिया ऊपर, चारों पहिया ऊपर काका बेल्ड फोर टाइगर क्वामन इन द बॉक्सिंग मेट आज फॉलो दैट स्पासियो इन द होल टॉट स्टेलस्टन क्वाम चारों पहिये ऊपर में। मैं आप लोग को हमारे सरनाम के तमाम जनता मैं आखिरी में फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि सूरीनाम में इस फकांसी है और प्यारे लोग फकांसी उस तरफ न मनाइए कि आपके परिवार में गमी छा जाए, फकांसी मनाओ हौसला से खुशहाली से। और जहां जहां पर आप लोग जाएंगे बड़ी होश हवास में, दारू पी करके कहीं पानी में मत उतरना, और ये सब बात आपको याद है। फकांसी जितना दिन आप चाहे परमाजिबों से बाहर रह करके फकांसी मना सकते हैं, लेकिन जब दारू पी करके उपद्रव आप करेंगे काका, पानी में कूदेंगे गाड़ी चलाएंगे, तो उसका जिम्मा आप ही है। और जे के आप धक्का लगा देंगे वो तो शायद दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन तो संत बोमा पहुंच जाएंगे। उससे बचकर हो और अच्छा से रहो। हम आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।